हमीरपुर के गांधी चौक पर केएस म्यूजिक एकेडमी का सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये हर्ष का विषय है कि हमीरपुर में गीत संगीत की दुनिया में नाम पहचान बनाने वाले युवा प्रतिभाओं को मंच मिला है। उन्होंने कहा कि संगीत मानवीय लय एवं तालबद्ध अभिव्यक्ति है, वैदिक काल में ही भारतीय संगीत के बीच पड़ चुके थे। उन्होंने खुशी जाहिर की है कि नृत्य कलाएं वाद्य तथा गीतों के नए नए रूपों से जिला सहित पूरे प्रदेश के युवा रूबरू होंगे तथा प्रतिभावान कलाकार उभर कर सामने आएंगे, जिसके लिए उन्होंने अकादमी प्रबंधन वर्ग को बधाई देते हुए सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। इससे पहले अकादमी के निदेशक कश्मीर सिंह ने मुख्य अतिथि विधायक राजेंद्र राणा को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत व सम्मान किया तथा अन्य गणमान्य अतिथियों का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गीत वाद्य और नृत्य तीनों का समुच्चय ही संगीत है। वास्तव में स्वर लय ही संगीत का अर्थात गीत वाद्य और नृत्य का आधार है। अकादमी के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अकादमी में शास्त्रीय संगीत के साथ वाद्य यंत्रों का पूरा ज्ञान दिया जाएगा, जिसके इन विधाओं में निपुण स्टाफ की बेहतरीन टीम का चयन किया है तथा हर प्रकार के वाद्य यंत्रों से अकादमी सुसज्जित है। हमारी इस अकादमी का नाम केएस म्यूजिकल ग्रुप केएस म्यूजिकल अकादमी हमीरपुर के नाम से रखा गया है। इस अकादमी में हमने हमीरपुर जिला की प्रतिभाओं को उभारने के लिए इस अकादमी को खोला है, जिसमें हम बच्चों को और बड़ों को जो भी सीखना चाहे ना, उनके लिए हमने यहाँ पर शास्त्रीय गायन और जो तब मतलब हर इंस्ट्रूमेंट हर किस्म पर हर प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हमने रखे हुए हैं, तो जो जिस तरीके सीखना चाहे, और हमारे पास ऐसा टैलेंटेड स्टाफ रखा हुआ हमने कि जो जो सिखाएगा और हमारे जो प्रतिभा सीखेंगे वो बच्चे आगे जाके हमारा और इस जिले का नाम रोशन करें। इस अकेडमी में ये गिटार, कैसियो, वोकल म्यूजिक, तबला, ढोलक, हारमोनियम, कजन, ड्रम सेट इत्यादि जो रखे गए हैं और इन्हीं से हम सिखाएंगे।